इतिहास बोलता है, इतिहास की एक एक जगह बोलती है, इतिहास का एक एक पत्थर बोलता है। इन पत्थरों में, इन मीनारों में इतिहास की एक एक कहानी छिपी है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक महाराव शेखा जी का जन्म जो है वो अमरसर गढ़ के इस कमरे में हुआ है। हमारे जो पौराणिक मान्यताएं और दंत कथाएं हैं उनमें भी शेखा जी की साल की चर्चा होती है जो यहाँ इस भवन के अंदर है। खोज की दृष्टि से देखा जाए, अनुसंधान की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने तो वो कमरा भी देखा है कि जहाँ पर उनका संभवतः उनका जन्म हुआ था। महाराज शेखा जी के जन्म के संबंध में अनेक चर्चावां और अनेक शोध का विद्यार्थियों के द्वारा करोड़ों शोध है। आप जाएं, आप देखें, अनुसंधान करें। हमारी दृष्टि से, अनुसंधान की दृष्टि से उनका जन्म गढ़त्योंदा में हुआ है और उसको न केवल शेखावत बल्कि शेखावाटी जनपद में रहने वाले सभी महानुभाव राव शेखा जी के जन्म स्थान के रूप में देखते हैं। मैं बचपन से ही बुजुर्गों से सुनता आया हूँ कि महाराव शेखा जी की जन्म स्थली अमृतसर है। कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि अमृतसर गढ़ और अमृतसर ग्राम का जो स्थापना है वो महाराव शेखा जी के द्वारा अपने विजय अभियान के बाद में की गई, जबकि मेरा ये मानना है कि अमृतसर जो शहर है, जो गांव है, वो बसाया ही महाराव शेखा जी ने था। तो जब ये नगर ही उन्होंने बसाया तो उनका जन्म यहाँ कैसे हो सकता है? अब इतिहासकार ये कहते हैं कि जब अमृतसर राव शेखा जी ने बसाया तो उस स्थिति में यहाँ पर राव शेखा जी का जन्म कैसे हो सकता है। उसमें कुछ लोगों का मत यह है कि उस वक्त उनके पिता मोकल जी के अधिकार में नाण था और नाण के जो पुराने महल हैं जो आज की तारीख में काफ़ी कुछ खंडित हो चुके हैं, वहाँ उनके समय में लौकिक मान्यता ये थी कि वहाँ राजा के यहाँ संतानों का जन्म नहीं हुआ। तो उस स्थिति में इतिहासकार ये मानते हैं कि सब हो सकता है कि उनको, रानी को जो पटरानी थे, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया इस स्थान पर। अमरा धाबाई जो है महाराव शेखा जी के साथ में युद्ध लड़े थे और उस युद्ध के अंदर वो वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी याद में उन्होंने अमरसर रखा था। कुछ इतिहासकारों का मत यह है मानगढ़ के अंदर जब उनके पटरानी जी गर्भवती हो गए तो उसके बाद उनको वहां रखा गया। इस संबंध में भी कुछ इतिहासकारों के मत। शेखा जी की जन्मस्थली हम अमृतसर को ही मानते हैं, ये हमारे बुजुर्गों की देन से मैं कह सकता हूँ और अमृतसर की जनता भी शेखा जी का जन्मस्थल यही मानती है। महाराव शेखा जी के संबंध में सुरजन सिंह जी जाजर, देवी सिंह जी मंडावा, रघुनाथ सिंह जी कालीपाड़ी, सौभाग्य सिंह जी भगतपुरा, इन लोगों ने भी इन शेखा जी से संबंधित सभी स्थानों पर जाकर उसका अध्ययन कर वहाँ की परिस्थितियों को देखकर इस संबंध में अंतिम निर्णय पे इस पे पहुँचे कि ये शेखा जी का जो जन्म से संबंधित स्थान का जो प्रश्न है वो निश्चित रूप से शोध का विषय है। ये जो आप देख रहे हैं ये महाराव शेखा जी की प्रतिमा है जो निर्माणाधीन है और महाराव शेखा जी का जन्म जो है कर्नल नाथू सिंह जी के हिसाब से भी उन्होंने बड़ा अनुसंधान किया है और मेरे हिसाब से भी गढ़त्योदा जो लूणकर्ण जी उनके नाना थे, भविष्य को जानते थे, राजनीति को जानते थे,
उनकी अपनी पुत्री को जो पता लगा कि ये गर्भवती है तो वो उनको वहीं पर त्योंदा ले गए थे। राजस्थान में ही क्या पूरे उत्तर भारत में एक प्रथा प्रचलित है कि बेटी का पहला प्रसव जो है वो माँ के घर पे होता है, पिता के घर पे। पारिवारिक संदर्भ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन 12 भाइयों की जागीरदार, उनकी संपत्ति, उनको सबको देखते हुए एक ये था कि मोकल जी की तो कोई संतान है नहीं, तो सारी संपत्ति वो आपकी है। लेकिन जब पता लगा कि मोकल जी की जो पत्नी है अलका जी, अब वो गर्भवती हैं, तो उनके भाइयों में भी एक असमंजस, एक प्रसन्नता और एक ईर्ष्या, दोनों का मिला जुला सा एक भाव था। इस भाव को लेकर के लूणकर्ण जी अच्छी तरह से वाकिफ थे और उसको देखते हुए कि कोई इस प्रकार का षड्यंत्र ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से यूकन से लोगों के साधु संतों के आशीर्वाद से एक जब वो गर्भवती है उसको सुनिश्चित करने के लिए, प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए वो गढ़त्योंदा चले गए और उनका जन्म है वो गढ़त्योंदा में ही हुआ। ये मैंने सारी किताबें पढ़ी जितनी भी महाराव शेखा जी के बारे में लिखी हुई हैं और मुझे ये एक बात कहनी पड़ रही है कि जितने भी इतिहासकार हुए हैं उनमें कुछ तो इतिहासकारों ने जो किंवदंतियाँ थी, जो लोक कथाएँ चली आ रही थी, जो लोगों का कहना था वो सुन के ही अपना एक मत व्यक्त कर दिया। कुछ इतिहासकारों ने आधा अधूरा इन्वेंशन किया और आधे रास्ते जाके उन्होंने अपना एक मन बना लिया कि भाई इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो उनका जन्म यहाँ हुआ था। कुछ इतिहासकारों की यह मान्यता है कि महाराव शेखा जी का जन्म यहाँ, जहाँ आज की तारीख में हम महाराव शेखा गढ़ को देख रहे हैं, वहाँ अमरा दाबाई की ढाणी स्थित थी और अमरा दाबाई की ढाणी में महाराव शेखा जी के जन्म के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मत है। ये कैसे संभव है कि एक किसी ढाणी में जाकर के वो अपनी अपनी गर्भवती बीवी को लेकर जाएंगे, वो वहाँ जन्म कराएंगे? आप सोचकर देखें, मोकल जी को खानाबदोश आदमी तो थे नहीं जो उनको लिए घूमते रहेंगे कभी यहाँ कभी वहाँ। दूसरे कहते हैं कि नहीं साहब, उनका जन्म तो नाण में हुआ। नाण में तो प्रतिदिन डालिया राजपूतों का आक्रमण का एक सदैव उनके ऊपर आक्रमण का एक संदेह बना रहता था, तो क्या वो अपने ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आक्रमण का सदैव एक एक अवसर बना रहता है तो वहाँ वो उनके लिए प्रस्तुति लेकर जाएंगे? ये सब एक प्रकार की एक बेबुद्धि की एक बातें हैं। जो कर्नल लाथू सिंह जी शेखावत हैं उन्होंने काफ़ी इन्वेंशन किया है, अध्ययन किया है और वो जिस नतीजे पे पहुंचे मैं उससे सहमत हूँ कि उनका जन्म गढ़त्योंदा में ही हुआ है। देखिए, इसके लिए एक ज्योतिषीय आधार भी है, क्योंकि मैं एक ज्योतिषाचार्य भी हूँ और जब महाराव शेखा जी की कुंडली आप देखते हैं, जो मैंने कई ज्योतिषियों को वो कुंडली देखने को दी, उन सभी के सर्वसम्मति से जो मत हैं जिसमें मेरा मत भी शामिल है मैं आपको बताता हूँ। उनका जो है सूर्य की महादशा में जन्म हुआ है, भोग्य महादशा 2 साल कुछ मैंने किए हैं। सूर्य षष्ठम में बैठा हुआ जो ननिहाल पक्ष है, तो निश्चित ही उनका जन्म ननिहाल में हुआ है। षष्ठ में सप्तम में बैठा हुआ है तो न केवल जन्म भाव है बल्कि उनका लालन पालन भी, बाल्यावस्था भी जो है ननिहाल में ही बीती है। सारी चीजों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, कुंडली को देखते हुए ये निश्चित है कि उनका जन्म गढ़त्योंदा में ही हुआ था। हमारे साथ में है यहाँ के स्थानीय निवासी छाजूलाल जी सैनी। छाजूलाल जी सैनी से पूछते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का उनका जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है, कौन आता है, क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं? विजयदशमी को यहाँ लगभग सब राजपूत, पूरे राजस्थान से सभी राजपूत आते हैं, सांसद वगैरह, MLA वगैरह सब आते हैं और बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ माइक वगैरह सब लगते हैं, सब पूरे गांव में रैली टाइप बस स्टैंड से यहाँ तक इतना बड़ा जुलूस निकलता है राव शेखा जी का।
और बहुत उत्साह से मनाया जाता है। ये मैदान है, इसमें शेखा जयंती मनाते हैं। कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 1,000 राजपूत आते हैं। हमारे गांव से 1,000 कम से कम आदमी, 500 आदमी गांव के पहुंचते हैं। मेरे को भी दो शब्द कहलवाए जाते हैं, तो मैं दो शब्दों में उनको कहता हूँ कि पहले जो उनकी साल, जो अपने कमरा बोलते हैं, जिसमें राव साहब ने जन्म लिया, उसका वृतांत देकर इसका जीर्णोद्धार करवाओ, जो एक पर्यटक स्थल बने। ये देखिए कितनी विडम्बना है कि साल में एक दिन विजयदशमी के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और उस वक्त MLA, MP, मिनिस्टर्स सब लोग यहाँ पे उनके चरणों में धोख देने के लिए आते हैं। बट आप ये हालत देख रहे हैं, किसी ने भी ये सोचा नहीं है कि इस पवित्र स्थली का जीर्णोद्धारी करा दें, इसको एक पर्यटक स्थल बनाया जाए, लोग यहाँ पे आके राव शेखा जी को नतमस्तक होके प्रणाम करके अपनी आस्था को प्रकट कर सकें, किसी ने सोचा ही है, जबकि सब समर्थ हैं। शेखा जी के जन्म के विषय में लेकर के एक और कंट्रोवर्सी जो है, प्रचलित कंट्रोवर्सी है, और कोई उसका खंडन नहीं कर रहा है। सभी इतिहासकारों ने और समाज ने उनको ये कहा है कि शेख बुरहान ने कहा कि उनको सांड के खून से लाना लो। समझ में नहीं आता, जब वो एक उनके पिता मोकल जी गोभक्त थे, माधवाचार्य जी के आश्रम में वो रहे हैं, और माधवाचार्य जी उनको गोसेवा का एक टास्क उनको देते हैं, काम देते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम राजा दिलीप, तुम्हारे एक पूर्वज थे, उनकी भांति गोसेवा करो, तो वो एक सांड के खून से उनको कैसे नहला सकते हैं। बड़ी कंट्रोवर्सी है ये। और अगर वो कहा था, उन्हीं के अगर ये हुआ, तो नलाया क्यों नहीं उन्होंने फिर? इस बात का एक लेकर के हमने स्वीकार कर लिया इस बात को, और किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा, बुद्धिमान आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई ये बात गलत है। लेकिन यहाँ पर इस जगह उनका खंडन करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नहीं थी, ये बाद में मनगढ़ंत बात है, जो कि उस वक्त साजिश के तौर पर एक इस्लाम के प्रचार हेतु इस बात को शामिल किया गया, और अगर यहाँ पर शामिल कर दिया जाता है तो लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, आँख बंद कर स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार करते भी आए हैं। अब जाकर हम इसका खंडन कर रहे हैं, तो ऐसी बात कोई थी नहीं, और हमें इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सिर जिनकी स्मृति में श्रद्धा से झुक जाता है, भुजाएं जिनके नाम के स्मरण मात्र से फड़कने लगती है, रगों में दौड़ने वाले सूर्यवंशी लहू में जब उबाल आ जाता है, विक्रम संवत 1490 राजस्थान की धरती पर एक ऐसे महान सूरवीर योद्धा का जन्म हुआ, जिसने अपने बाहुबल से 12 गांव की एक छोटी सी जागीर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। महान वीरवर योद्धा महाराव शेखा जी का जन्म विक्रम संवत 1490 को हुआ था। कि विजय दशमी का दिन था, और विजय दशमी के दिन जहां राव शेखा जी के गांव में पिता के घर उत्सव मनाया जा रहा था, घोड़ों की पूजा हो रही थी, अश्व की पूजा हो रही थी, और उनके सैनिकों का सम्मान किया जा रहा था, और उसी समय जब 14 गांव में बालक का जन्म हुआ, तो शकुन शास्त्र भी ऐसा कह रहा था कि ऐसा कोई वीर पैदा होने वाला है, इस धरती पर कोई ऐसा महामानव आने वाला है, जो महामानव कुछ नया करके दिखाएगा। राव शेखा जी का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद जब सूचना मिली, बरवाड़ा में सूचना मिली राव मोकल जी को, तो वे सारा का सारा खुशी से झूम उठे लोग। धरती 2 गज ऊपर आ गई थी, आज धरती 2 गज ऊपर आ गई जब राव शेखा जी का जन्म हुआ। राव शेखा जी का गढ़
जो अमृतसर में बना हुआ है राव शेखागढ़ के नाम से, उसको हम देखने जाते हैं। उसी प्रकार जो महाराव शेखा जी के पिताजी थे राव मोकल जी, उनका जो बरवाड़ा का गढ़ है और उनके समकालीन जो उनके समय में जो भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर वहाँ पे एक बना हुआ है, विशाल पहाड़ की तहलटी में बसा हुआ ये ठाकुर जी का मंदिर जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, और राव मोकल जी यहाँ पे नित्य पूजा किया करते थे, ये बरवाड़ा में स्थित है। और ये प्राचीन मंदिर लगभग 700 सालों से संरक्षित है, आज भी इसकी अवस्था जो है अच्छी है। तो मोकल जी वहाँ जो गोपीनाथ जी की मूर्ति थी, बरवाड़ा के अंदर उन्होंने मंदिर की स्थापना की, और उस मंदिर में आज भी वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ होती है। तो यहाँ पे राव मोकल जी हमेशा आके ध्यान साधना किया करते थे, पूजा किया करते थे। भगवान गोपीनाथ जी जो थे उनकी स्थापना उन्होंने यहाँ की थी। आज भी बरवाड़ा के ये प्राचीन मंदिर देखने के बाद में ये लग रहा है कि 500 से 700 या 600 वर्ष पहले से ये मंदिर बिल्कुल सुरक्षित सुरक्षित है। पूजा पाठ भी यहाँ पे नित्य हो रहा है, तो मन को भी एक सुकून मिला है कि यहाँ पे जो आज से 500 वर्ष पहले जिस मंदिर की और जिस छोटी सी गढ़ी की नींव जो राव मोकल जी ने रखी थी, वो आज भी संरक्षित है। इसके अलावा जो राजपूतों की कुल देवी है, राजपूतों की इष्ट देवी है माँ दुर्गा, उनका भी एक मंदिर वहाँ बरवाड़ा में बना हुआ है। ये देवी माता जी का मंदिर है जिसकी उपासना महाराव शेखा जी ने भी की है, महाराव मोकल जी ने भी की है, और महाराव बालाजी ने भी की है। परकोटे के अंदर गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापित है। और गोपीनाथ जी का ये मंदिर शेखावतों का गुरुद्वारा कहलाता। ये गोपीनाथ जी की मूर्ति जो है शेखावतों ने स्थापित किया ये मंदिर यहाँ पे आके, और इसकी मान्यता जो है वो इस रूप में है कि ये गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, तो जब तक इनके तीनों के दर्शन नहीं करो तब तक दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते, और एक ही सूर्य में तीनों दर्शन करना बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। कितना खूबसूरत सा गलियारा है पुराना, आज भी उतना ही संरक्षित और सुरक्षित। ये गढ़ गणेश की प्राचीर है। समय समय पर जो है हम आपको इसी तरीके से बाकी मंदिरों को भी दर्शन कराते रहेंगे। तो शेखावतों में ये जो गोपीनाथ जी का इस धारण किया और जो मंत्र दीक्षा उन्होंने मोकल जी ने ली थी, उसकी वजह से ये हमारे इष्ट देव हैं शेखावतों के। और जहाँ जहाँ भी शेखावतों के गांव बसे या शेखावतों की कोठड़ियाँ बसी या जहाँ जहाँ शेखावतों ने राज स्थापित किया, वहाँ सर्वप्रथम गोपीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई। मैं आपको बता दूं कि जो कछावा वंश हैं, जो शेखावत हैं, उससे पहले जय आपस में मिलते थे तो जय रघुनाथ जी की बोला करते थे, उसके बाद जय गोपीनाथ जी की बोलना शुरू हुए। आज भी शेखावत हैं, एक दूसरे से मिलते हैं आपस में तो जय गोपीनाथ जी की बोलते हैं। आपको ये पता है कि ये मोकलगढ़ी थी किसी टाइम में? नहीं। आपको ये पता है कि ये बरवाड़ा गांव जो है राव बालाजी का बसाया हुआ है? नहीं। आपको पता है राव बालाजी, राव मोकल जी, महाराव शेखा जी यहाँ के शासक रहे? नहीं। ये विडम्बना है, इसलिए इस पीढ़ी को ये बताना आवश्यक है कि आपकी जड़ें कहाँ हैं।
अब आप ही बताइए, बिना जड़ों के पेड़ कैसे हरा रहेगा? तो अगर हमें अपनी आज के समाज को, आज की संस्कृति को हरा भरा रखना है, तो उसे अपनी जड़ों को बताना होगा और उनको अपनी जड़ों को जानना होगा, पहचानना होगा। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि अपनी जड़ों तक न केवल आप पहुंचें, बल्कि हर इंसान को जो आपसे जुड़ा हुआ है उसे पहुंचाइए। राव मोकल जी से जुड़ी हुई यादें या उनसे जुड़े हुए जो उनके समय के बनाए हुए मंदिर, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, उनको कम से कम हम संरक्षित करने का काम करें। ये हम सब का भी दायित्व है, इसके साथ साथ राजस्थान सरकार का दायित्व भी है कि जो प्राचीन काल में जो मंदिर बने हुए हैं, जो पुराने किले बने हुए हैं, जो आज जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो सरकार का दायित्व भी है कि वो इसकी देखभाल करे, उनको संरक्षित काम करने का काम करे, उनकी मरम्मत कार्य आदि करवाए। ये हम सब लोगों का सरकार का दायित्व भी है, राजस्थान सरकार का भी ये दायित्व है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब कराएँ, क्योंकि अगर हम पहुँचाएँगे तो ही इनकी अवस्था में सुधार आएगा, लोग जागृत होंगे और ऐसे प्राचीन स्थलों को उनका पुनरुद्धार करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे, गांव के लोगों को रोज़गार मिले और साथ ही साथ ये पुनर्जीवित हो, हमारा इतिहास पुनर्जीवित हो। महाराव शेखा जी के बारे में जो हमने बातें की अभी तक, और आपने पूरे वीडियो में देखा होगा कि लोगों की मत भिन्नता के बावजूद ये खुशी की बात है कि एक महान पुरुष, एक महान योद्धा का जन्म हुआ, और ये एक सेलिब्रेशन की बात है। आज से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके 5-7 दिन बाद में जो है, लगभग 9 दिन बाद विजयदशमी है, और उसी दिन उनका जन्म हुआ था। तो बिसाइड ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, लेट्स सेलिब्रेट, बिकॉज ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग जिस तरीके से अमृतसर में आके उत्सव मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से गढ़ त्योदा में जाके भी उत्सव मनाया जाए। शेखा जी का जन्म हुआ तो उस वक्त मोकल जी वृद्ध अवस्था में थे, कतई नहीं थे। इसको भी ध्यान में अगर हम देखें तो भ्रम है यहाँ पर, इस भ्रम को हमने पाल करके रखा हुआ है और अभी तक भी हम उसकी बात करते हैं कि साहब जगह जगह पर सुनने में आता है कि वो तो वृद्ध अवस्था में पैदा हुए थे। नहीं, गलत है।